मुझे आपका नाम इसमें कैसे? सर वर्क फॉर ग्रिप्स म्यूजिक, सर आई वाज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द सॉन्ग। किस तरह का म्यूजिक है ये जो बात करें, नाम क्या है? उड़ने दो। उड़ने दो, तो इसमें कितने आर्टिस्ट हैं और क्या किस तरह का म्यूजिक है? So the song is sung by Sidhant Dev. It's about giving power to women. It's about bringing equality to women in the society and giving them the rights that they truly deserve. आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम बादशाह तालुकदार है and I am the director and also partly the producer of the song. And मैंने ये जब सिद्धांत ने मुझे इस गाने के बारे में बताया था तो मैं बहुत ही गाना सुन के लिरिक्स जो मीन करता है, जो डेडिकेटेड टू ऑल दी वुमेन, उसी हिसाब से मैंने एक वीडियो डायरेक्ट किया है इस गाने पे। सो कल हम लोग हाँ कल हम रिलीज़ करने वाले इस गाने को। और हाँ, दिस सॉन्ग स्पीक्स अबाउट टेलिंग द वुमेन नॉट टू गिव अप इन लाइफ, रादर फाइट, दैट यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल अलाइव ऑन अर्थ। आप लोग कभी गिव अप ना कीजिए, वही हम मैसेज एक जो वीडियो के द्वारा हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही है। कितने सिंगर हैं इसमें? सिंगर सिद्धांत देवी है, जो सिंगर और कंपोज़र सिद्धांत देव है, उन्होंने किया है। बाकी जिन्होंने एक्ट किया है इस वीडियो में, और बहुत सारे रियलिस्टिक शॉट्स भी है जो रियल एक्टर्स ऑफ लाइफ है, जो जिन्होंने रियलिटी देखा है उन पे भी है, कुछ पिक्चराइजेशन किया है हमने वहाँ पे वीडियो पे। और बस इतना ही है हमारे तरफ से। तो गाने का नाम उड़ने दो है और यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 डोंट गिव अप इन लाइफ, जस्ट कीप फाइटिंग एंड स्पीक आउट for your own rights, the rights that you've been fighting for, the identity that you deserve. So to all the women, we love you. We are always there for you. So मेरा नाम सिद्धांत देव है and I've composed this song and I've written this lyrics 6 years back. It is about women empowerment. तो जब 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, so I was very deeply touched with that incident. तो मैंने तभी सोचा कि हम सब सोचते हैं, हमें बुरा लगता है इस बारे में, we feel sad about the fact, but we do not acknowledge the fact that we feel bad about. Rather than just acknowledging it and feeling sorry about it, why not come up and do something? कि ये गाना बनाने के समय मुझे ये realize हुआ कि कितने लोगों ने अपना सपोर्ट दिया है, कितने लोगों ने अपना थॉट्स जाहिर किया है थ्रू प्ले कार्ड्स। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि whatever they feel inside, they could tell us through the play card. तो मैंने एक छोटा सा स्टैंड लिया, I made a small video out of it and I got so much such a good response from people, और सब लोग कह रहे थे कि मतलब it's something should be spoken about, this is a matter which should be spoken about. And I feel that I'm very very thankful to Grips Music, to Ten Talents and to all my friends out here to be a part of this amazing journey. Yes, and I mean Grips Music is the presenter, वो लोग release कर रहे हैं। Grips Music का इतना support हमें मिला है कि एक independent गाने को इस platform में लेके आना, it's a big task for a music label to actually fight so much to, and as a matter of fact that they felt it themselves. Yeah, उनको भी वो गाने से उन्होंने लिंक किया, they related to the song. शायद से कोई ऐसा करता कि हम obviously Grips Music ने बहुत हमें हेल्प किया है इस पूरे जर्नी में, जो वो नहीं होते तो शायद ये गाना रिलीज भी नहीं होता और होता भी तो रीच नहीं होता। तो इनके वजह से जो रीच होने वाला है गाने का और जो प्रोमोज हमने निकाले हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं हमारे। सो हम वही इंतज़ार करें कि कल गाना रिलीज़ होगा तो कैसा होगा। बेसिकली डिजिटल रिलीज प्लेटफॉर्म है। बेसिकली मैं ग्रिप म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब सिद्धांत एंड बादशाह बादशाह ऑफकोर्स आई नो हम लोग बहुत दिनों से फ्रेंड हैं, तो जब बादशाह आए कि हमारा एक ऐसा है हम लोग करना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि हम जबकि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को हम सपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, आप गाना मुझे दिखाओ, हम लोग इसको रिलीज़ करते हैं। तो उसका पूरा रिलीज़ का हमने उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। गाना बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा गाना है और इसमें मैसेज है और गाना इटसेल्फ बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कि एक साथ करते हैं इसको, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करने की हमेशा से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, हर कोई बॉलीवुड कर रहा है, ये कर रहा है, सभी कर रहे हैं, तो हमने सोचा है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक जून हो, जो हम जैसे लोग हैं, जैसे मैं कुछ साल पहले आया था कुछ करने के लिए तो वहाँ प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे ना, तो फिर हमने ये क्रिएट करके ये कोशिश की इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, म्यूजिक कंपोज़र हो या म्यूजिशियन हो, जो भी हो, उनको मौका मिले। और फिर हमने जब ये गाना देखा, इसमें जबकि मैसेज भी था जिसमें हम खुद रिलेट कर पाए, तो मैंने सिद्धांत को और बादशाह को बोला कि हम एक साथ ये करते हैं। तो फिलहाल हमारी ये कोशिश है जो कल रिलीज़ है उसकी, और देखते हैं अभी लोगों को, हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमें प्यार दें इस गाने के थ्रू से। इसने बहुत ही अच्छे से गाया है गाने को, और इसके आवाज़ को भी लोग सुने, आवाज़ के साथ उसके मैसेज को लोग सुने, ये हम चाहते हैं। ज़्यादातर एक लाइन गुनगुनाएंगे आप जो इसमें है, सिद्धांत यहाँ पे है तो मैं चाहता हूँ सिद्धांत भी गुनगुनाएं, सारे मिलके अगर गुनगुना देखना है क्या है कि हम लोग काफ़ी देश रहे सपोर्ट मिलेगा। तो उठ जा रे तोड़िए खामोशी, बीते लम्हों को तू भुला जिए जिंदगी, तो थम जा रे ना कर खुद खुशी, होठों पे तू सजा ले अपने हंसी। और पवनदीप राजन हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, जो द वॉइस इंडिया के विनर हैं, बहुत ही नॉन सिंगर है, और ये भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत नाम हैं जो हम नहीं ले सकते जो इस गाने को सपोर्ट ट्रेंड के वजह से, बट ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो है हमारे इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग विच इज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी एंड पावर, एंड वी वांट टू गिव इट आउट टू ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू नो मोर पावर टू देम, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू पर्सनली, वी ऑल वुड वांट टू थैंक our production head Tushar Agarwal too, who has done a lot in this project. We would like to thank Dipankar Sarkar, who is the DOP. We'd also like to take one name who has always been there, the producer, partly producer of the song, जो Ten Talents हमारी कंपनी है, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो Ten Films से आती है। तो शोविक बासु, he is one of the finest ad producers in the country we have. So thank you Shovik Basu for your support. And thanks to all the women who have shared so much of love and support, and shared the play cards and been with us throughout this entire journey. So it has been a very, very wonderful journey for all of us, and we thank each and every person who's involved in this project. And we just hope that everybody likes the video, and the message that we want to reach out to people, it reaches to them. And that's all we want from everyone. Pawan, if you please say something about Udne Do. मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी को। और बादशाह दा, मुझे पता नहीं था डायरेक्शन में इतना बढ़िया कर रहे हैं, और बहुत अच्छा वीडियो बना है, एंड दादा ने बहुत अच्छा गाया है, और ग्रिप्स म्यूज़िक ने बहुत सपोर्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अपनों का गाना आ रहा है, घर का गाना है, तो सभी लोग सपोर्ट करेंगे साथ में मिलके। बहुत थैंक यू सो मच। ज़्यादातर आप एक गाना गुनगुनाएंगे क्या स्पोर्टिंग के लिए? मैं कौन सा सक्सेस के लिए कोई गाना? सक्सेस के लिए हाँ, क्या नहीं वाला कोई भी जो तुम्हारे दिल के ज़्यादा करीब, जो ज़्यादा गुल मनाते हो, ऐसा कोई सॉन्ग? तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहना में फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क। ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स।